हाय चाचा जी। हाँ चीची, अरे बहू ये तुमने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे हैं? कपड़े? हाँ कपड़े पहन तो रखे हैं चाचा जी, ये देखिए ना। अरे ऐसे कपड़े नहीं पहनते तुम हमारे घर की बहू, वो पूरे कपड़े पहनने चाहिए हैं? अरे चाचा जी आजकल मॉडर्न जमाना है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अरे आप अंदर आइए, ये सब छोड़िए। अरे मैं अंदर नहीं आऊंगा, उसे भेजो। वो कहाँ है? आयुष कहाँ है? उसे भेजो। आयुष हाँ बुलाओ। अरे क्या हुआ चाचा जी, और आप ऐसे मुंह छुपा के क्यों खड़े हुए हैं? आप अंदर आइए ना। अरे मुझे नहीं आना अंदर। और ये बहू ने क्या हाल बना रखा है, हैं? कैसे कपड़े पहन रखे हैं? क्यों इन कपड़ों में क्या खराबी है? अरे खराबी कपड़े कपड़े हो तो खराबी होगी ना। अच्छा मेरी बात, मैं तुझे एक बात बताऊं, ये तेरी बहू है ना, करेक्टरलेस है। बाबूजी आप कैसे बात कर रहे हैं? हाँ ये मेरी पत्नी है, और इसके बारे में आप ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हैं? देख मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात का भरोसा कर, ये करेक्टरलेस है। बस कीजिए, आप बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आएगा आप बोलते जाओगे। मेरी पत्नी है। अच्छा ठीक है ठीक है, मेरी बात सुनेगा, ध्यान से सुन। मैं सुबह भी आया था, तब ये किसी अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। अब तू कहेगा मैं ये भी झूठ बोल रहा हूँ? हाँ झूठी बोल रहे हो आप मेरी पत्नी पे लालच लगा रहे हैं। गलती मैंने ही की है जो आपको गांव से यहाँ बुला लिया, आप वहाँ गांव में ही अच्छे थे। हाँ मुझे पता था तू मेरी बात का भरोसा नहीं करेगा, तो विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मैं कह रहा हूँ उधर आ, इधर आ मेरे पास। क्या करूँ आके बताइए, यहीं से बताइए। देख देख मैंने मैंने इसकी वीडियो बना ली थी जब ये अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। कौन सा वीडियो दिखाइए जरा। हाँ देख ये बहू क्या कर रही है, ये भगवान, इसे तो बिल्कुल शर्म नहीं है। एक काम करता हूँ इसकी वीडियो बना लेता हूँ। देख देख हाँ अब तो भरोसा हुआ तुझे। माफ कीजिए बाबूजी, मैं आप पे चिल्ला गया इसकी वजह से, और ये मेरे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही है। सर मैं थोड़ी बहुत। आयुष बेटा हम गांव वाले जरूर हैं, लेकिन अपनी संस्कृति मर्यादा का ख्याल हमसे ज्यादा कोई नहीं रखता। सही कहा बाबूजी आपने, गलती मेरी है, मैंने इसे इतनी छूट दी है, इसी की वजह से इसने सब कुछ किया है। बस अब और नहीं, निकल जाओ यहाँ से, मेरी छूट का ही नतीजा है जो तुम ये सब कुछ कर रहे हो मेरे पीठ पीछे। अरे हमारे घर की बहुत बेइज्जती कराई है इसने। जाओ। अरे बाबूजी आप ये हाथ हटा लीजिए आप, और अंदर आइए, आ जाइए आप, बैठिए आप। आपने तो मेरी आज आंखें ही खोल दी, वरना मैं तो इसे कभी पकड़ ही नहीं पाता। बहुत अच्छा हुआ मैंने ये वीडियो बना लिया, नहीं तो कोई भरोसा ही नहीं करता। तू भी मुझे ही गलत समझता। मुझे माफ़ कर दीजिए उसके लिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ।